हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए पूरी दिनचर्या लेके आया हूँ कि एक विटिलिगो पेशेंट को कैसे अपनी दिनचर्या को शुरुआत करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कहीं भी किसी भी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिनचर्या को सही ढंग से कर सकेंगे। तो दोस्तों, सुबह उठना किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह उठते हैं सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त कहा जाता है जब 3 से 6 बजे के बीच, दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप 3 बजे नहीं उठ पाते हैं तो आप 4 बजे तो उठ ही जाइए दोस्तों, 4 बजे जरूर जाइए। 4 बजे से लेकर 6 बजे का बीच का जो टाइम होता है, इतना अच्छा टाइम होता है, सभी क्रियाएं आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी वो बहुत तेज़ी से पृथ्वी पर आती है, ब्रह्मांड से पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से आती है। तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, किसी भी तरह जल्दी सोइए। 10 बजे जब आप सो जाएंगे तो 4 बजे जरूर उठ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको सुबह उठ के आपको फ्रेश होना है तुरंत, और उसके बाद योग और प्राणायाम जरूर करना है। सभी भी जितने भी विटिलिगो पेशेंट हैं उनको जरूर योग करना है, कम से कम आपको 20-20 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दोनों प्राणायाम बहुत ही लाभदायक हैं। आपके वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग को तेज़ी से ठीक करने में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। 2 से 3 महीने में आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने ले जाएंगे, और जड़ से ये ख़त्म करता है दोस्तों। उसके बाद आपको, आप योग करने के बाद फिर आपको थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रनिंग वॉकिंग करना है 10 मिनट आपको तेज़ी से स्पीड से, हरी घास के मैदान में, घास के मैदान पे अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नंगे पैर कीजिए दोस्तों। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, हम आपके लिए एक ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर देख रहे हैं पुरानी से पुरानी जहाँ पे लिखा, वहाँ पे एक छोटा सा बिंदु दिया गया, उस बिंदु को दोस्तों आप दबाओगे तो आपको ये ग्रीन कलर का डिस्क्रिप्शन में ये निकल के आ जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का दिया गया है, फिर आपको इस पे क्लिक करते ही आप हमारे इस चैनल पे पहुंच जाएंगे, भारतीय आयुर्वेदा। दोस्तों यहाँ पे पहुँचते ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के। अगर आप हमसे 3 महीने जुड़े रहेंगे, आपकी हम पूरी, आपसे हम वादा करते हैं बिना पैसे के हम आपकी पूरी समस्या का इलाज करेंगे, और बिल्कुल 100% 3 महीने में हम आपको ठीक करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हमारा दोस्तों ये रिसर्च है, जिन लोगों को हमने 18-18 साल से था उनको ठीक किया। तो आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे भारतीय आयुर्वेदा चैनल को, और हमारे इस चैनल को भी, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट देते रहेंगे डेली की डेली। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम उस पर सारा ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। अभी 1000 सब्सक्राइबर का इंतजार है, होने ही वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप लोग जल्दी से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए जाके। तो अब हम बात करते हैं आगे की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा वॉकिंग करनी है 10 से 15 मिनट नंगे पैर घास के मैदान पे। फिर आपको दोस्तों फ्रेश होना है, नहाना है धोना है जो भी आपको करना है। फिर आपको नाश्ते का टाइम आता है, तो दोस्तों नाश्ते के टाइम में आपको आपके अंगूठे के बराबर हल्दी लेनी है, आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में मिलाकर, और उसके बाद आपको 3 से 4 काली मिर्च आपको पी लेना है ज़रूर। ये बहुत ही वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा में बहुत ही फायदेमंद ये नुस्खा है, आपके दागों को बढ़ना कम कर देगा और आपके दागों को तेज़ी से ठीक करना शुरू कर देगा, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। आपको आधा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में और 3 से 4 काली मिर्च आपको खा लेना है। उसके बाद आपको आधा एक घंटा कुछ नहीं खाना। अगर उसी बीच आप नीम की पत्ती भी खाना खा चाहते हैं तो नीम की पत्तियां भी खा सकते हैं, और जो आप उसके बाद आधा घंटे के बाद आप जूस वगैरह पी सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, पत्ती पुदीना की पत्ती डाल के और तुलसी की पत्ती डाल के इस तरह का जूस पी सकते हैं। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, फिर आपको आधा एक घंटे के बाद फल खाने हैं दोस्तों, केला 4-5 केला खा लीजिए, जो भी फल खाए जा सकते हैं आपको कम से कम आधा किलो फल खाने हैं दोस्तों, जो भी आप खा सकते हैं मीठे फल। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी चीज़, चाय बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है बिल्कुल भी। फिर आपको दोस्तों दोपहर का खाना खाना है 12 बजे, वो मैं बताऊंगा आप क्या करना है। 12 बजे आपको दोस्तों क्या करना है,
दोस्तों तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी शाम को रखेंगे, सुबह पियेंगे तो वो आप 12 बजे के पहले पहले पी सकते हैं। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि जब आप 12 बज जाएगा तब आपका आ जाएगा लंच का टाइम। अब लंच के टाइम में आपको क्या करना है, आपका जितना वेट है वो मैं डाइट प्लान बता चुका हूँ, उतनी आपको गाजर, चुकंदर, पालक, खीरा, ककड़ी ये ले लेना है। अगर 50 किलो वजन है तो आपका कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 500 ग्राम। 60 किलो है तो 6 से गुणा करेंगे 10 को 60 को 10 से तो 600 ग्राम। तो मतलब अगर 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम, 60 किलो वजन है तो आपका 600 ग्राम खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, पालक कच्चा ही चबा चबा के अच्छे से खाना है खाने से पहले। इतना तो आपको खाना ही खाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई फूड जैसे अंकुरित चने, स्प्राउट फूड, अंकुरित चने, बादाम भीगी हुई, अखरोट, ये सब आप खाइए, जो भी जितना खा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपके घर में जो भी दाल चावल रोटी बना है वो आप खा सकते हैं, और उसी बीच आप अखरोट वगैरह है, भीगे बादाम, अंकुरित चने अंकुरित हुए, वो सब खाइए। इसके बाद दोस्तों आपको फिर फल आपका कभी भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम, कोई टाइमिंग नहीं है, और कितना भी खा सकते हैं फल। उसके बाद आपका जब आता है डिनर, दोस्तों डिनर आपको सोने के 2 घंटे पहले पहले खाना ही खाना है। ऐसा नहीं अगर आप लेट करते तो फिर ये जो आप कर रहे हैं फिर फ़ायदा नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। आपको 7 बजे के पहले पहले खा कर लेना है डिनर। डिनर में भी आप क्या करेंगे, आप अपने वेट के हिसाब से अगर 60 किलो वजन है तो 60 × 10 तो 600 ग्राम, 50 किलो तो 5 × 10 मतलब जितना वेट है उससे 10 से गुणा कर दो, उतने ग्राम आपको गाजर, चुकंदर, पालक, खीरा, ककड़ी सब मिलाकर आपको खाना है। यही पहले खाना है, उसके बाद फिर घर में जो दाल चावल रोटी जो बना है उसको खाइए। वो भी सादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पैक्ड चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और दोस्तों दूध दही भी आप बंद कर दें, दही वगैरह भी बंद कर दें, क्योंकि दूध पचाने में बहुत मुश्किल होती है। गाय का हो तो ही लें वरना मत लें, बिल्कुल भी मत लें। अगर गाय का दूध नहीं है तो फिर न लें, क्योंकि भैंस का दूध पचाने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दूध मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पचाने में दिक्कत होता है, और कोई नुकसान नहीं है, पचेगा नहीं तो फिर मुश्किल होती है, डाइजेशन सिस्टम आपका ख़राब होगा। तो अगर गाय का दूध है तो आप हल्दी मिला के पी सकते हैं, वरना मत पीजिए। आप इसी डाइट को फॉलो करके आप और आपकी जो भी दवाई चल रही है वो दवाई करते रहें, और जो अंकुरित चीज़ें, जो वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा में जो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं जैसे अंजीर है, अखरोट है, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और कैसे खाना वो मैंने पूरा वीडियो में बता दिया है कि किस तरह आपको लेना है। और आपको पानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको फ्रीज ठंडा चिल्ड पानी बिल्कुल नहीं लेना है।